वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ गाइस, ये वाला वीडियो ना काफ़ी दिनों पहले का है, करीबन एक हफ्ते पहले का है। हमारे इधर हो रही थी बारिश और सुबह उठ के देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई और मैं देखो इधर फिसल के गिर गई, पैर में लगी थी चोट और अभी भी वो चोट ठीक नहीं हुआ है गाइस। फिर मेरा मुंह आप देख ही सकते हो इतना ज़्यादा लाइक कैसा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं नहाने से पहले ही मैं थोड़ा सा मुंह धो के टोनर लगा लेती हूँ। तो वो करने के बाद घर का कुछ काम था वो सब कंप्लीट करके मैं नहाने चली गई। नहाना कम्प्लीट होने के बाद मैं आ गई रोटी बनाने, क्योंकि हर सुबह अच्छा नहीं लगता कुछ मैगी मीमी ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो देखो यहाँ मैं रोटी बना रही हूँ एंड मम्मी ने बोला कि मम्मी बनाएंगी, बट मैंने बोला कि नहीं मैं बना रही हूँ तो मैं ही सेक वेक लेती हूँ। और यहाँ साथ में आज घर पे बन रहा है घुगनी। तो कल रात को मम्मा ने मटर को लाइक भिगो के रखा और सुबह उठ के इसे बॉयल किया है। करने के बाद देखो अभी सबसे पहले आलू दे रही है, अदरक तेजपत्ती नमक और मिर्ची दे के इसको करना है मिक्स। इसके ऊपर दे देना है प्याज एंड सारे मसाले, फिर जो मटर बॉयल करके रखा वो भी डाल देना है। डालने के बाद इसको करना है बहुत समय मिक्स। करने के बाद थोड़ा पकने देना है, ऊपर गरम मसाला चना मसाला ऐड करने के बाद देखो आपका गरम गरम छोला बोल सकते हो या घुगनी भी बोल सकते हो वो रेडी है। तो अभी चलो मैं जल्दी से खा लेती हूँ, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। तो यहाँ मैं दबा के खा गई एकदम मटर साथ में रोटी और अभी मैं बैठ गई पढ़ने, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम्स है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है फिर भी कोशिश कर रही हूँ डालने की। तो यहाँ देखो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मम्मा ने बोला कि जा तू किचन में जाके थोड़ा सा अंडा बॉयल होने के लिए रख दे। तो इधर चार अंडा मैं बॉयल होने के लिए रख रही हूँ, बिकॉज बारिश के दिनों में ना ऐसा खाना खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मम्मी ने बोला था कि मम्मी बनाएंगी ऑमलेट, बट मैंने बोला कि मम्मी आप ये बनाओ। जब तक ये बॉयल हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी इधर बना रही है दाल साथ में चटनी। तो ये ड्राई फिश को ना खाली कढ़ाई में थोड़ा सा फ्राई करके और इसमें मिर्चा दे के कूट रही है, नमक वगैरह देखे, और यहाँ देखो प्याज को फ्राई करके इसको कर रही है मिक्स। इसे आप दाल के साथ खाओ, यम लगेगा यम। पापा का फेवरेट डिश है। फिर हम लोग थोड़ा सा चाय पिए मैदी और मम्मी मिलके, क्योंकि दोपहर के टाइम चाय पीना इज मैंडेटरी गाइस। आपको पता मैं हमेशा नहीं पीती हूँ, बट कभी कभार थोड़ा सा पी लेती हूँ। और यहाँ देखो हमारा एग भी बॉयल हो चुका है, तो इसका मैंने रेसिपी शेयर किया अपने शॉर्ट्स पे अंडा भरता का, आप लोग ज़रूर से चेकआउट करना। तो यहाँ देखो मैं सूखा हुआ मिर्ची को सेक रही थी, रोस्ट कर रही थी। करने के बाद नमक वगैरह देखे, प्याज वगैरह देखे, सरसों का तेल देखे, अच्छे से मिक्स करके हम लोग खा गए। दोपहर को ना मैं और दी सोने की कोशिश बहुत किए हैं, बट हमको नींद ही नहीं आ रहा था। तो दी ने बोला कि चल ठीक है, चल मैं अपना मेकअप बॉक्स थोड़ा सा ठीक करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था इसलिए। तो यहाँ देखो दी अपना लिपस्टिक कलेक्शन दिखा रही थी। ये कलेक्शन देख के ना आप पागल हो जाओगे, पागल, ये तो बहुत कम है। आप अगर कोलकाता का कलेक्शन देखोगे ना दी, मतलब बहुत सारा दी का अच्छा अच्छा कलेक्शन है। जिसको आप में से मेकअप करना पसंद है, लिपस्टिक कलेक्शन करना पसंद है, उनको ये वाला देख के ना प्यार आ जाएगा सच्ची। तो यहाँ देखो दी का चोकर वगैरह बहुत कुछ है एंड बहुत तरह का क्लिप लाइक क्लचर वगैरह है एंड नेल पेंट भी है। और यहाँ मैंने ये कलर का नेल पेंट लगाया क्योंकि हाथ बहुत ही ज़्यादा खाली था इसलिए। तो चलो शाम के टाइम देखो यहाँ हम खा रहे थे पापड़, क्योंकि मम्मी ने थोड़ा सा पापड़ बनाया था। और यहाँ ब्रेड को सेक रही है, पापड़ मम्मा के लिए है और हम ब्रेड एंड साथ में ऑमलेट खाएंगे, क्योंकि पापड़ खाली खाली पसंद नहीं है गाइस। और चाय पीने का भी बिल्कुल मन नहीं था, तो मम्मा ने बोला कि चल ठीक है तुम लोग के लिए मैं बना देती हूँ ऑमलेट। तो यहाँ देखो एकदम ब्रेड सेकने का आसान तरीका तो आप देख ही सकते हो। फिर देखो यहाँ ऑमलेट भी बना लिया और खा के मज़ा आ गया सच्ची बताओ तो। तो चलो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक मैं ध्यान